राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाट और राजपूत, ये दो जातियां बड़े मायने रखते हैं। कहते हैं कि जाट और राजपूत समुदाय चाहे किसी भी राजनीतिक दल में हो, पर अपनी जाति, अपने भाईचारे और अपनेपन को सबसे ऊपर रखते हैं। वहीं राजस्थान में इसकी एक अलग ही वानगी देखने को मिली, जहां जाट जाट तो साथ रहे, पर राजपूत नेता जो एक ही पार्टी से हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आए। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों दो जाट नेताओं और दो राजपूत नेताओं की चर्चा जोरों पर है। और कमाल तो ये है कि बीजेपी के जाट नेता कांग्रेस के जाट नेता का जिक्र करते हुए एकता और भाईचारे का उदाहरण देते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के ही एक राजपूत नेता दूसरे राजपूत नेता पर सवाल उठा देते हैं। इस कहानी में दो अलग अलग घटनाओं का जिक्र है। चार चेहरे हैं, जिनमें से जाट नेता सतीश पुनिया और राजपूत नेता राजेंद्र राठौड़ का नाम केंद्र में है। ये दोनों ही नेता अपना अपना चुनाव हारे, हार की वजह चाहे जो भी रही हो, पर ये दो बयान अपने आप में मायने रखते हैं। तो पहले आप ये बयान सुनिए और समझिए, जब बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता देवी सिंह भाटी ने राजेंद्र राठौड़ पर हार का ठीकरा फोड़ दिया था। चुनाव में मुझे जो मोटा मोटी जो सारा वातावरण खराब किया, वो राजेंद्र राठौड़ बिहार ने ये जिस प्रकार से लोगों की टिकटें कटाना ये किया, और जो सबसे बड़ा घातक रहा वो जो चूरू की टिकट के ऊपर इतना अच्छा लड़का वो अपने राहुल कसवां, उसकी वर्किंग, सारा कुछ, जनसंपर्क, उसकी टिकट कटाने से पूरे राजस्थान में जाट जो समर्थक थे बीजेपी के वो एक नहीं रहे। एक राजपूत नेता तो दूसरे राजपूत नेता पर सवाल उठा दिए, नाम लेकर चूरू लोकसभा चुनाव हारने की वजह बता दी। वहीं अब आप एक जाट नेता का ये बयान सुनिए। सतीश पुनिया भी चुनाव हारे। हारने के बाद उन्हें कांग्रेस के जाट नेता हरीश चौधरी का कॉल आया और दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। ये जो पिछला चुनाव में थोड़े से अंतर से हारा, मन में निराशा थी, लेकिन उस निराशा के बीच में मुझे कल्पना नहीं थी, जिस किसी पहले सज्जन का फोन आया, उनका नाम हरीश चौधरी था, उन्होंने कहा पुनिया साहब ये हार जीत होती है लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं। सतीश पुनिया ने ये बात बाड़मेर के गुढ़ामलानी में हो रहे एक कार्यक्रम में कही। कमाल की बात है कि एक जाट नेता ने दूसरे जाट नेता का जिक्र मंच पर किया। अमूमन ऐसा कम ही देखने को मिलता है, जब दो प्रतिद्वंदी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से अलग अपनेपन की बात कर रहे हों। वहीं दूसरी तरफ एक ही पार्टी के राजपूत नेता दूसरे राजपूत नेता पर हार का ठीकरा फोड़ देते हैं। आरोपों के इतर अगर आप पिछले लोकसभा के चुनावी नतीजों की बात करें, तो चुनाव से पहले ही क्षत्रिय समाज में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ असंतोष नजर आ रहा था। असंतोष की आग लंबे समय से सुलग रही थी और पिछले 2-3 सालों में कई विवादों के दौरान पार्टी के खिलाफ सोशल मीडिया ट्रेंड देखने को मिले। इस सुलगती चिंगारी में हवा फूंकने का काम किया भाजपा के वरिष्ठ नेता पुरुषोत्तम रूपाला ने। रूपाला के विवादित बयान और क्षत्रिय इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आरोपों, खास तौर पर मिहिर भोज विवाद, समुदाय के नेताओं को कम टिकट देना और अग्निपथ योजना जैसे कई अहम मुद्दों के चलते राजपूत समुदाय ने देश भर में कई महापंचायतें की, जिसका असर राजस्थान में भी देखने को मिला। और सिर्फ राजपूत वोटर्स ही नहीं, राजस्थान में जाट समुदाय के सदस्यों ने मुख्य रूप से शेखावटी बेल्ट में पार्टी के साथ अपमानित महसूस किया। राहुल कसवां का टिकट कटने के बाद एक चिंगारी को हवा मिल चुकी थी और चूरू में जाटों के विरोध के प्रभाव के कारण भाजपा को पूरे शेखावटी क्षेत्र में बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जिसमें चूरू, झुंझुनू और सीकर लोकसभा सीट शामिल है। नतीजों के बाद ये दो बयान मायने इसलिए रखते हैं क्योंकि एक तरफ जहां सतीश पुनिया को हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं राजेंद्र राठौड़ के हाथ कुछ भी नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि राजेंद्र राठौड़ का राजनीतिक भविष्य उन्हें कहां तक ले जाएगा।